बहुत सारी बातें मगर में हम लोग सिर्फ काम की बात कर ले। आप लोग सब हमारे परिवार है। मैंने कहा था कि हमारा सीमांत जिला हमारा परिवार है और यहाँ के सारे रंग हमारे हैं और सारे रंग में सबको रंगाना है क्योंकि इस सीमांत की तरक्की को आगे बढ़ना है, विकास की गंगा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को एक एक भाई बंधु को एक होना पड़ेगा ताकि हमें 25 मई को अपना कीमती वोट देंगे। हिना साहब के समर्थकों की भीड़ जो है उसे देख करके आप अंदाज लगा सकते हैं कि हिना साहब जहां जाती हैं वहां ऐसे ही लोग उनका स्वागत करते हैं। हम सब को आगे करकर ये जो लोकसभा का चुनाव है ये एक समुद्र है, जगह-जगह हम लोग जाते हैं पर हर गांव मोहल्ला मुश्किल है जाना। मैं सबसे माफी मांगती हूँ कि मैं जहाँ ना पहुंचू वहाँ सभी नौजवान चुनाव लड़ रहे हैं, सभी नौजवान आगे बढ़कर चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोगों की सोच होगी कि हम लोग सभी बातचीत बच्चियों के लिए आगे आए, उनके बारे में सोचे, एजुकेशन के लिए सोचे और इनके रोजगार के लिए सोचे, माँ बहनों के मान सम्मान के लिए आगे आए, बुजुर्गों के लिए आए और इनको चिकित्सा की बढ़िया व्यवस्था कर रहा है। आपके हर जगह इसकी बहुत परेशानी होती है, बच्चों को खेलकूद के भी बहुत परेशानी होती है। सिवान में हम लोग यूनिवर्सिटी भी लाएंगे और हर वहाँ काम करेंगे जिससे कि हम लोगों को सिवान को आगे बढ़ाने के लिए जो सपना आपके पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन ने देखा था उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। उनके उनका जो उन्होंने जो कार्य किए थे, जो विकास की लकीर उन्होंने खींचा था उसको हम लोग आगे लेकर चलेंगे। आप लोगों को पता है उन्हें विकास पुरुष क्यों कहा जाता था, क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह उपाधि दी थी तभी उन्हें विकास था। आप सब के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि उन्होंने हर गली मोहल्ले में आए और सभी के सुख दुख में शामिल हुए हैं। हम लोग चाहते हैं इसी तरह से हम लोग भी हर जगह पहुंचे, हर किसी के दुख सुख में शामिल हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे जन जन तक देखते होंगे, चुनाव के समय में भी, चुनाव के बाद में भी, चुनाव से पहले भी मैं घूमती रहती थी हर जगह, हर किसी के सुख दुख में शामिल होना मेरा पहला कर्तव्य है। मैं सिवान में निकली हूँ अपने घर से सेवा के लिए, निस्वार्थ मुझे सेवा करना है आखिरी दम तक, जब तक मैं जीवित रहूंगी सेवा के लिए आगे आती रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका। आप सब लोग हमारा चुनाव चिन्ह आएगा क्योंकि हमारा चुनाव चिन्ह नहीं है, हम लोग निर्णय चुनाव लड़ रहे हैं। जब आएगा सभी भाई बंधु बच्चों से मेरा आग्रह है उस चुनाव चिन्ह को जगह जगह पहुंचाना। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार, प्रणाम सलाम। और ये जो मंदिर का आनंद है यहाँ पर हम लोग कभी झूठ नहीं बोलेंगे, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम कल चुंदरी उड़ाई गई और भगवा उड़ा दिया गया आपको, प्रमस्थान जो मंदिर है यहाँ पे। आप लोगों को पता है कि मैं अभी चुनाव लड़ने की मूड में भी नहीं थी, तभी मैंने कहा कि सिवान जिला एक परिवार है और उस परिवार को मुझे आगे बढ़ाना है और यहाँ जो भी हर कलर के झंडे जो हैं, हर कलर जो है वो हमारा है।
आपने अटल बिहारी वाजपेयी को याद दिला दिया मैडम, क्या लग रहा है कि वो बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, बहुत ऊर्जावान थे, बहुत विद्वान थे। वो उनके वक्त में हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग उनके बातों को सुनते थे और समझते थे, और उस वक्त कोई भिन्न भिन्न विचार के लोग नहीं थे, एक विचार के लोग थे। वो सही दिशा और निर्देश देते थे और जिसको आगे बढ़ाना रहता था उसे सौतब बुलाकर पीठ थपथपा कर आगे बढ़ाते थे। वहीं आप जा रही हैं भगवा कलर से ही आपका स्वागत किया जा रहा है, तो कहीं एनडीए की वोट बैंक में सेंध नहीं ना मार रही है? हम सिवान जिला के हैं, निर्दल प्रत्याशी हैं, दिल से सभी लोग मुझे स्वागत करते हैं, मैं सभी को दिल से आदाब प्रणाम करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी के लिए अपना पवित्र स्थान होता है, और धर्म जाति से बढ़कर सबसे बड़ी बात है सेवा की। उस सेवा की भावना से मैं आई हूँ तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। वादा मेरा रहेगा कि मैं हर किसी के सुख दुख में हमेशा शामिल रहूँगी, जब तक ऊपर वाला रखेगा मैं हर किसी के बीच में रहूँगी। सिंबल को लेकर एक बार फिर से मैम आप अपील कर दें लोगों से। देखिए हम लोग निर्दल प्रत्याशी हैं, निर्दलीय इंडिपेंडेंट हैं, तो हम लोग का कोई चुनाव चिन्ह अभी नहीं है। नॉमिनेशन करेंगे, नॉमिनेशन के बाद हम लोग 6 तारीख को बाद जो सिंबल मिलेगा उसको हम लोग अपने अपने लोगों में बांटेंगे और प्रचार प्रसार में लगेंगे।